हेलो दोस्तों, नमस्कार। कुमार क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग ज्योग्राफी की जो 1500 से लगभग 2000 प्रश्नों के श्रृंखला को देख रहे थे, उसे आगे कंटिन्यू करते हैं। हम ज्योग्राफी को लगभग 2 से 3 दिनों के भीतर खत्म करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग जो है ना इतिहास के सवाल पे आ जाएंगे और फिर से वापस जो है ना पॉलिटी के सवाल पे आ जाएंगे। और इस तरह से हम अब स्टार्ट करते हैं। आपको ज्योग्राफी में आपको जो है ना मैं आज मानसून से रिलेटेड जो है ना आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ। मानसून जलवायु से संबंधित। मानसून शब्द जो है ना आपको अरबी भाषा के मौसिन शब्द से लिया गया है। सबसे पहली बात कि आपको जो मानसून शब्द है वो अरबी भाषा से लिया गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि मानसून शब्द आपको किससे लिया गया है, तो वो अरबी भाषा से जो है ना मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है आपको, मौसम होता है, ऋतु होता है। ठीक है, तो मानसून शब्द आपको अरबी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, मौसम होता है, ऋतु होता है। ठीक है, भारत में आपको जो मानसून है वो आपको भारत में कुल वर्षा जितना होता है उसका 75% आपको दक्षिण पश्चिम आपको मानसून से प्राप्त होता है। भारत में जो वर्षा होती है कुल वर्षा उसका 75% भाग, मतलब 3/3, 75% मतलब कितना हो गया आपको, 3/3, 75% को क्या लिख सकते हैं, 75/100, 25 × 75, 25 × 100, मतलब 3/4 जो वर्षा होता है भारत में कुल, उसका 3/4 जो है ना, कुल वर्षा का 3/4 आपको दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। किससे होता है आपको, दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। आपको पता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून का जो है ना प्रारंभ भारत के केरल राज्य से शुरू होता है। किससे जो है ना आपको शुरू होता है, तो भारत के केरल राज्य से आपको शुरू होता है दक्षिण पर। सबसे पहले मानसून हमारे भारत देश के किस राज्य में आता है, तो इसका उत्तर क्या होगा, केरल। ठीक है, उसके साथ साथ जो है ना मानसून का जो समय है वो आपको कृषि के लिए अच्छा माना जाता है, बिकॉज इंडिया के जितने भी फार्मर्स हैं ज्यादातर वो आपको जो है ना मानसून पे डिपेंडेंट हैं, और इसके कारण जो है ना वर्षा पे डिपेंडेंट हो हैं। तो खास करके जो आपको जिस क्षेत्रों में आपको बिल्कुल भी इरिगेशन का साधन नहीं है, सिंचाई का साधन नहीं है, वहां पे आपको ज्यादातर किसान जो है ना मानसून पे ही निर्भर होते हैं। तो मैंने बताया आपको कि मानसून पे दक्षिण मानसून पश्चिम जो मानसून है उसका प्रारंभ किस राज्य से शुरू होता है आपको, केरल से आपको शुरू होता है। भारत उष्ण मानसूनी जलवायु वाला देश है। भारत में कैसा है आपको जलवायु, तो उष्ण मानसूनी जलवायु वाला देश है। बस इतना ही आज का मतलब जो है नोट्स है। अब आगे जो है ना हमारे पास क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तो देखते हैं मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो मानसून शब्द आपको अरबी भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ अर्थ क्या होता है, मौसम होता है, ऋतु होता है। ठीक है, तो आपको मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से, आपको अरबी भाषा से हुई है। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है। तो ग्रीष्मकालीन जो मानसून का जो प्रवाह का दिशा है वो आपको दक्षिण पश्चिम से आपको उत्तर पूर्व की ओर आपको मानसून का प्रवाह होता है। किधर, दक्षिण पश्चिम से आपको जो है ना उत्तर पूर्व की ओर, ये हमारा भारत रहा। तो इस भारत की अगर मैं बात करूं तो इस भारत में आपको दक्षिण पश्चिम से आपको जो है ना मानसून स्टार्ट होता है। किधर से, दक्षिण पश्चिम से जो है ना आपको मानसून स्टार्ट होता है। वो आपको एक ये देखा होगा, ये केरला है, यहां से आपको जो है ना ये इसका जो प्रवाह का दिशा है दक्षिण पश्चिम से आपको उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से किधर आपको उत्तर पूर्व की ओर जो है ना आपको मानसून का प्रवाह का दिशा है। ठीक है, भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में किसके द्वारा होती है। तो भारत में मानसून की उत्पत्ति जो है ना दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, भारत में मानसून की उत्पत्ति दक्षिण पश्चिम पवन के द्वारा होती है। ये है आपका सही उत्तर, भारत में मानसून की उत्पत्ति दक्षिण पश्चिम पवन के द्वारा होती है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, लेह भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है, इसलिए सबसे ज्यादा सूखा स्थान क्या होगा, लेह होगा। तो भारत में जो है ना आपको सबसे सूखा स्थान कहाँ का है, तो लेह का, क्योंकि भारत में सबसे शुष्क स्थल जो है ना आपको लेह में है, सबसे सूखा स्थान क्योंकि यहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है,
इसलिए सबसे सूखा स्थान भारत का क्या हो जाएगा, लेह हो जाएगा। भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में आपको सबसे ज्यादा जो है ना ताप में अंतर पाया जाता है। रेती बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और उतनी ही जल्दी क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। इसलिए राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां पे दिन के समय बहुत ज्यादा गर्मी होती है और शाम के समय रात में आपको रेत बहुत ज्यादा जो बालू होता है, सैंड होता है, उसमें जो है ना आपको बहुत जल्दी ठंडी हो जाने के कारण आपको टेम्परेचर में बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है दिन और रात में। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि भारत के जो राजस्थान का मरुस्थलीय जो क्षेत्र है उसमें आपको आपको दैनिक तापांतर टेम्परेचर का वेरिएशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो भारत में आपको सबसे ज्यादा जो है ना आपको दैनिक तापांतर राजस्थान के मरुस्थलीय भाग में देखने को मिलता है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तमिलनाडु में आपको जो मानसून नवंबर दिसंबर के टाइम में जो है आप लोग को याद है, जब आपको ठंडी स्टार्ट हो रहा होता है तब उस समय जो है ना कड़ाके की ठंड में जो है ना आपको तमिलनाडु में वर्षा होती है। तो तमिलनाडु में मानसून का सामान्य महीना क्या है? नवंबर दिसंबर। तमिलनाडु में आपको मानसून का सामान्य महीना क्या है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको, नवंबर दिसंबर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ITCZ एक निम्न वायु दाब पेटी स्थित है। ITCZ की अगर मैं बात कर रहा हूं, इसका पूरा नाम होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ। आपको यह भी पूछा जा सकता है कि ITCZ का पूरा नाम क्या है, तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जिसका पूरा नाम जो है ना ITCZ का इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है, वो एक निम्न वायु दाब पेटी है। एक ऐसा आपको जो है ना पेटी है, तो निम्न वायु दाब पेटी है, ये आपको कहाँ पे स्थित है? तो भूमध्य रेखा पर आपको स्थित है, भूमध्य रेखा पर स्थित है ITCZ। बस इतना ही याद कर लीजिए कि आपको ITCZ जो है ना इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन आपको भूमध्य रेखा पर स्थित है, जो कि एक निम्न वायु दाब पेटी है, ठीक है, ये उच्च वायु दाब पेटी नहीं है। हम लोगों ने बात किया कि आपको ITCZ जो है ना आपको निम्न वायु दाब पेटी है जो कि भूमध्य रेखा पर स्थित है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार जो है ना सजाना है, भारतीय कैलेंडर के अनुसार। तो सबसे पहले जो है ना आपको बताइए, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जो है ना वसंत ऋतु, ठीक है, क्या कैलेंडर के अनुसार काल के अनुसार समझाना है, तो बसंत ऋतु आएगा सबसे पहले। फिर क्या आएगा आपको, ग्रीष्म ऋतु आएगा सेकंड नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे जो है ना आपको कौन आएगा, भारतीय कैलेंडर के अनुसार बताना है, तो उसके बाद क्या आएगा, ग्रीष्म ऋतु आएगा, और फिर उसके बाद जो है ना क्या आएगा, वर्षा ऋतु आएगा, और उसके बाद क्या आएगा आपको, शरद ऋतु। तो सबसे पहले बसंत, मतलब थर्ड, सबसे पहले थर्ड एक ही ऑप्शन में है ही, सबसे पहले बी वाले में, इसलिए सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, बसंत। बसंत के बाद फिर क्या होगा आपको, तो ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु के बाद जो है ना आपको क्या हो जाएगा, ठीक है, आपको सॉरी, बसंत, फिर जो है ना आपको ग्रीष्म, फिर उसके बाद जो है ना वर्षा ऋतु, और वर्षा होने के बाद आपको क्या आएगा, आपको शरद ऋतु, ठीक है। अरे सिंपल सी बात है, बसंत ऋतु के बाद जो है ना आपको गर्मी आता है, गर्मी के बाद जो है ना वर्षा होती है, वर्षा होने के बाद जो है ना आपको जो विंटर सीजन है, जो शरद ऋतु है, ठंडी का जो मौसम है वो आता है या नहीं आता है, तो इसको जो है ना आपको सजाना था कालक्रम के अनुसार। तो हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे ज्यादा जो है ना वर्षा कहाँ पे जो मुख्यतः प्राप्त होती है? खैर आपको भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती कहाँ पे है आप लोगों को बता दूं, तो मेघालय के मासिनराम में। कहाँ पे, मेघालय के मासिनराम में जो है ना आपको सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त होती है। मेघालय के मासिनराम में आपको सबसे ज्यादा वर्षा होती है, मासिनराम, मासिन राम, ठीक है, सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है, ठीक है। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किससे प्राप्त होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है ना भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। भारत में जितना वर्षा होता है उसका 75%, मतलब 3/4 आपको दक्षिण पश्चिम मानसून से ये वर्षा होता है, प्राप्त होता है भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे ज्यादा वर्षा। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु।
उत्तरी पूर्वी मानसून से जो है ना आपको किसे प्राप्त होता है वर्षा, तो तमिलनाडु को, जिस जो कि आप लोगों ने देखा कि नवंबर दिसंबर के जो है ना आपको टाइम में यहाँ पे बारिश वर्षा होती है। ठीक है, अब हमारे पास जो है ना आम्र वर्षा संबंधित है। आम्र वर्षा किससे संबंधित है, तो आम की फसल से संबंधित है। अप्रैल के समय में जो है ना आपको कर्नाटक और केरल में ये वर्षा जो है ना आपको मानसून से पहले ही आपको अप्रैल के समय में आपको अप्रैल महीने में आपको जो है ना वर्षा होती है, थोड़ी थोड़ी वर्षा की फुहार होती है जो कि आम की फसल के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होती है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैंगो सोवर कहते हैं या आम्र वर्षा कहते हैं, जो कि आम की फसल से क्या है संबंधित है, जिसके कारण आम के फसल के लिए बहुत ही ज्यादा ये आपको लाभकारी होती है। तो आपको जो आम के जो है ना यही मतलब बहुत ज्यादा जो है ना वर्षा नहीं होती है, बहुत तेज गति से नहीं, जो आम का जो बौरे होते हैं जिसको मंजर भी बोला जाता है वो टूट के गिरती नहीं है। इससे आपको ये अप्रैल माह में होती है वर्षा लगभग, और ये आपको जो है ना कर्नाटक केरल के क्षेत्र में आपको जो है ना मानसून से पहले होने वाली वर्षा है, जिसे हम लोग मैंगो सोवर भी कहते हैं, आम्र वर्षा कहते हैं, जो कि आम के लिए बहुत ही ज्यादा क्या होती है, लाभदायक होती है। ठीक है, तो ये आपको मैंगो सोवर आपको आम की फसल से संबंधित है। हम लोग आगे की ओर देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान आपको लेह लद्दाख, सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान हमने बताया मेघालय का मासिनराम, और सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह लद्दाख आपको थोड़ी देर पहले बताया, सबसे ज्यादा सूखा यहीं पे होता है। आगे की ओर बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है, फिर से इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको, लेह लद्दाख हो जाएगा। मैं बार बार क्वेश्चन को मैं बोलता हूँ कि रिपीट कर देता हूँ, जब कभी भी आपको दो दो बार एग्जाम्स में आए हुए रहते हैं, इसलिए ताकि आपको याद हो जाए। देखिए ये भी 2008, 2009, 2010 हर एक परीक्षा में जो है ना आपको पूछा गया है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं ये सारे के सारे। ठीक है, भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, क्यों, क्योंकि आपको जो है ना वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना। भारत में वर्षा ठीक ठाक होता है, बहुत मतलब अधिक वर्षा होती है, उसके बावजूद भारत को प्यासी धरती समझा जाता है, क्योंकि वर्षा का जो पानी होता है उसका जो है ना तेजी से बह जाना। दूसरा, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बन के क्या हो जाता है, वर्षा का पानी शीघ्रता से वाष्प बन के उड़ जाता है, और उसके साथ साथ वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना, ज्यादा दिनों तक वर्षा नहीं होती है, कुछ थोड़े महीना में जो है ना वर्षा होती है और उसके बाद खत्म हो जाती है। इसलिए वर्षा तो ठीक ठाक होते हुए भी भारत को प्यासी धरती का जो है ना देश समझा जाता है, प्यासी धरती समझा जाता है। इसका कारण ये तीनों के तीनों है, मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपको, ऑल ऑफ दिस ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है, तो अभी तो बताया तमिलनाडु में नवंबर दिसंबर के जो है ना आपको समय में, नवंबर दिसंबर के महीने में आपको तमिलनाडु में वर्षा होती है। ठीक है, तो पूछा गया है कि विंटर सीजन में आपको ठंडे के मौसम में, जाड़े के मौसम में आपको कहाँ पे वर्षा होती है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तटीय प्रदेश किसको बोला जाता है, आपको जो समुद्र के तट से जो है ना आपको लगे हुए राज्य होते हैं उसको तटीय प्रदेश बोला जाता है। किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है, उत्तर पूर्वी मानसून से आपको वर्षा होती है, कोरोमंडल तट पे, तमिलनाडु में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है, कोरोमंडल तट, ये आपको ये रहा, इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट, और ये तो है तमिलनाडु, ये तमिलनाडु है, ये कोरोमंडल तट है। ये कोरोमंडल तट की अगर मैं बात करूं तो किसमें, उत्तर पूर्वी मानसून से, तो उत्तर पूर्वी मानसून से आपको यहीं पे तो तमिलनाडु में तो क्या होती है, इसको कोरोमंडल तट बोलते हैं, कोरोमंडल तट कह लो या तमिलनाडु कह लो, तमिलनाडु का वाला जो आपको तट है जिसको हम कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं, यहाँ पे उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, कोरोमंडल तट पे उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है, ये वर्षा आपको नवंबर दिसंबर के महीने में देखने को मिलती है। आगे की ओर हम लोग कंटिन्यू करते हैं, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा किस कारण से होती है, तो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। अभी जस्ट देखा कि जो आपको तमिलनाडु में जो ठंडी में आपको जो वर्षा होती है नवंबर दिसंबर के महीने में, वो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है।
ठीक है, जिसको कोरोमंडल तट पे भी वर्षा कहा जाता है, कोरोमंडल तट पे या तमिलनाडु में आपको नवंबर दिसंबर के महीने में वर्षा होने का कारण क्या है आपको, उत्तर पूर्वी मानसून। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, 2004 में सुनामी द्वारा भारत के निम्न तटों में सबसे ज्यादा कौन दुष्प्रभावित हुआ था? कोरोमंडल तट 2004 वाला सुनामी आप लोग को याद होगा, हिंद महासागर में यह सुनामी आया था जो कि कोरोमंडल तट को सबसे ज्यादा प्रभावित किया था, जो अभी मैंने बताया वो उस कोरोमंडल तट को सबसे ज्यादा प्रभावित किया था। 2004 का सुनामी आपको सबसे ज्यादा कोरोमंडल तट को से क्या हुआ था आपको प्रभावित हुआ था, हिंद महासागर में आया था। ठीक है, ये रहा भारत, ये रहा आपको हिंद महासागर, ठीक है, इंडियन ओशन बोलते हैं इसको, इंडियन ओशन। तो ये कोरोमंडल तट जो है ना आपको सबसे ज्यादा जो है ना आपको 2004 वाले सुनामी से आपको प्रभावित हुआ था। आगे की ओर बात करते हैं, हुदहुद चक्रवात से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ? तो हुदहुद चक्रवात से जो अभी हाल में आया था कुछ दिनों पहले आपको, तो ये जो आपको कुछ साल हो गए आंध्र प्रदेश के तट पे जो है ना सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था हुदहुद चक्रवात से। हुदहुद चक्रवात जो है ना से सबसे ज्यादा जो है ना आपको कौन सा राज्य प्रभावित हुआ था? आंध्र प्रदेश जो है ना आपको प्रभावित हुआ था। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आपको कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है। ठीक है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ पे है आपको, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? न्यू दिल्ली। आपको नई दिल्ली में आपको भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थित है। आगे की ओर बात करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं? तो बंगाल की खाड़ी जो है, जो बंगाल की खाड़ी जिसे बे ऑफ बंगाल कहते हैं, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में सबसे ज्यादा जो है ना आपको जो तटवर्ती क्षेत्र है, जो तट के किनारे वाले जो क्षेत्र है, वहां पे चक्रवात सबसे अधिक इसलिए आता है क्योंकि बंगाल की खाड़ी में क्या होती है, अधिक गर्मी के कारण, बंगाल की खाड़ी में ज्यादा गर्मी, वहां पे तापमान अधिक होने के कारण आपको बंगाल की खाड़ी में सबसे ज्यादा तापमान अधिक होने के कारण, गर्मी अधिक होने के कारण आपको बंगाल की खाड़ी में सबसे ज्यादा चक्रवात आते हैं। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में ज्यादा चक्रवात आने का कारण क्या होता है आपको? बंगाल की खाड़ी का गर्मी, मतलब बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में जो है ना आपको तापमान अधिक होने के कारण सबसे ज्यादा वहां पे चक्रवात आते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता भूकंप में नहीं आता है? उत्तराखंड उच्च तीव्रता भूकंप में आता है, बहुत वहां पे भूकंप आते हैं और हाई इंटेंसिटी के साथ जो है ना वहां पे भूकंप आता है। कच्छ भी, गुजरात का कच्छ जो है बहुत ज्यादा भूकंप वाला क्षेत्र है, एवं हिमाचल प्रदेश भी जो है ना आपको भूकंपीय क्षेत्र है, आपको उच्च तीव्रता का भूकंप वाला क्षेत्र है। कर्नाटक में जो है ना आपको उच्च तीव्रता का भूकंप का क्षेत्र नहीं है, उच्च तीव्रता वाला भूकंपीय क्षेत्र नहीं है, इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा आपको, बी पूछा था कि कौन नहीं है, तो उत्तराखंड में भी भूकंप उच्च तीव्रता भूकंपीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, उत्तराखंड, कच्छ, गुजरात का तो आपको पता ही है, उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश भी। भारत को कितने भूकंपीय अंचल में जो है ना विभाजित किया गया है? तो भारत को चार भूकंपीय जो है ना जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है, आपको चार भूकंपीय जोखिम अंचल में भारत को विभाजित किया गया है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण जो है ना निर्मित हुई है? तो इसका उत्तर क्या होगा, रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी जो है जिसको हम लोग काली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? काली मिट्टी। ठीक है, ये काली मिट्टी जो है ना, क से काली और क से कपास, जैसे याद करना है कर ले सकते हैं आप लोग, कपास के लिए बहुत ही अच्छी मिट्टी होती है, जो महाराष्ट्र के क्षेत्र में, महाराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र वाला जो एक क्षेत्र है उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा कॉटन होता है। उसका कारण क्या है, वहां पे काली मिट्टी की उपलब्धता का होना। काली मिट्टी जो है ना जहां पे पाया जाता है वहां पे कपास का जो है उत्पादन अत्यधिक होता है, बहुत ज्यादा होता है, तो महाराष्ट्र में इसीलिए कॉटन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि महाराष्ट्र का जो आपको दक्कन का पठार वाला जो एरिया है उसमें बहुत ज्यादा जो है ना आपको काली मिट्टी पाया जाता है। हमारे पास क्वेश्चन है, भारत की निम्न मिट्टियों में कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण हुआ है? तो बेसाल्ट लावा से जो है ना आपको कौन सा बना है? तो आपको रेगुर मिट्टी, जिसको काली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब ये जो है ना काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ये सब क्षेत्र में आपको, कर्नाटक में आपको काली मिट्टी पाई जाती है। तो हम लोगों ने देखा काली मिट्टी आपको कपास के उत्पादन के लिए
रिस्पॉन्सिबल है। रेगुर मिट्टी किसका नाम है? तो रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी सेम बात, ठीक है। रेगुर मिट्टी को ही जो है ना आपको काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये भी देखा हम लोगों ने कि महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में भी जो है ना आपको खंडवा खरगोन वाला जो रीजन है उधर आपको कपास का प्रोडक्शन ढेर सारा होता है, तो उधर भी काली मिट्टी की उपलब्धता है। आगे की ओर बात करते हैं, काली मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पे है? सबसे ज्यादा काली मिट्टी आपको कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है सबसे ज्यादा, और इसीलिए आपको महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा किसका प्रोडक्शन होता है? कॉटन का। सबसे ज्यादा जो है ना आपको कपास का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से भी जानी जाती है? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। जस्ट हम लोगों ने देखा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी सबसे ज्यादा उपयुक्त है? कपास के लिए काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी, आपको काली मिट्टी कपास के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है, ठीक है। ये जो लेटराइट मिट्टी है, लाल मिट्टी है, सबके बारे में आगे देखेंगे। ये लेटराइट मिट्टी आपको काजू उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा जो है ना काजू वहां पे जो है ना इस मिट्टी में उत्पादन उत्पादित किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। आगे की ओर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए? तो आपको काली मिट्टी कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। लावा मिट्टियां पाई जाती हैं आपको मालवा पठार में। ये जो लावा मिट्टियां हैं वो कहाँ पे पाई जाती हैं? मालवा पठार में। लावा मिट्टियां, अरे ऐसे भी याद कर लेना, लावा मालवा एक ही तरह से तो लग रहा है, मालवा और यहाँ पे भी लावा, लावा मालवा। मालवा मिट्टियां कहाँ पे पाई जाती हैं? आपको लावा सॉरी मालवा पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो लावा मिट्टियां पाई जाती हैं, मालवा लावा ऐसे याद कर लीजिएगा। हमारे पास अगला प्रश्न है, मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी क्या है? तो वही काली मिट्टी, ठीक है। मालवा पठार की जो है ना आपको प्रमुख मिट्टी कौन सी है? मालवा क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि नमी रोक कर रखती है। अरे जिसमें आपको जो है ना नमी को जो है ना रोकने की जो है ना आपको क्षमता होगी उस मिट्टी को ज्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब रेतीली मिट्टियां होती हैं उसमें जो है ना नमी जो है ना आपको धारण करने की क्षमता नहीं होती, नमी को रोकने की क्षमता नहीं होती, इसलिए ज्यादा सिंचाई की जरूरत पड़ती है। तो काली मिट्टी में जो है ना आपको क्या होता है कि नमी रोकने की क्षमता होती है, नमी को रोकने की क्षमता होने के कारण इसमें सिंचाई की ज्यादा जरूरत नहीं होती है काली मिट्टी को। आगे की ओर देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? काली मिट्टी जो है ना स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है, तो आप लोग बस याद कर लीजिए अभी कि क्रेब्स के अनुसार जो है ना रेगुर मिट्टी जो है ना एक आपको जो है ना परिपक्व मिट्टी होती है, ये भी सही है। और काली मिट्टी में जो है ना नमी धारण करने की क्षमता उच्च होती है, मतलब काली मिट्टी जो है ना उसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए इसमें आपको सिंचाई करने की आवश्यकता थोड़ी सी कम होती है, बहुत ज्यादा सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती है। तीनों के तीनों सही है। अगला सिंपल सी बात है, गलत हो जाएगा तो हमसे पूछा क्या था कि कौन जो है ना गलत है, कौन सही नहीं है, तो आपको डी ही सही हो जाएगा। ये काली मिट्टी हिमालय के क्षेत्र में नहीं पाके आपको ये दक्कन के पठार के क्षेत्र में पाई जाती है। किधर पे पाई जाती है? दक्कन का जो पठार है उस क्षेत्र में जो है ना आपको पाई जाती है काली मिट्टी, हिमालय क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? डी फॉर देवसेना। आगे की ओर देखते हैं, हमारे पास आज इतना ही सवाल था, हम लोग आगे फिर से आएंगे आपके सामने। ज्योग्राफी का एंड करते ही हम लोग पॉलिटी या हिस्ट्री दोनों का जो है ना हम लोग स्टार्ट कर देंगे। और उसके साथ साथ मैं आप लोग को बता दूं कि कुछ दिनों में मैथ्स का वीडियोस भी जो है ना आपके पास आने लगेगा, तो कृपया वीडियो को जो है ना एंड तक देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो विद्यार्थी इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कीजिएगा ताकि वे लोग भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।